फ्रेंड शुभवास्तु में मैं रीटा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक यानी कि भूमिगत पानी की टंकी के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि शुभवास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तुशास्त्र के ज्ञान को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुँचाने का। अगर वास्तुशास्त्र इस सब्जेक्ट में आप नए हैं और इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि पानी का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, और कई बार पानी की कमी से हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कई परेशानी आ जाती है। पानी को स्टोर करने के लिए अक्सर हमारे घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक या फिर ग्राउंड लेवल पर वाटर टैंक होते हैं। वास्तुशास्त्र में इन वाटर टैंक्स के लिए अलग अलग दिशाएं दी गई है। इस वीडियो में हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में जानेंगे। ओवरहेड वाटर टैंक और ग्राउंड लेवल वाटर टैंक की जानकारी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए सही दिशाएं कौन सी है और क्यों, अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर सही दिशा में नहीं होता है तो इससे क्या दोष या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और उनके लिए वास्तु रेमेडीज। सबसे पहले हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए सही दिशा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, 5 एलिमेंट्स में से वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व ये नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में होता है, इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक को नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अच्छा माना जाता है। स्पेसिफिकली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। प्रेस वास्तुशास्त्र के अनुसार हर प्रॉपर्टी में वास्तु पुरुष का वास होता है, और जब अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में होता है तो इससे प्लॉट के वास्तु पुरुष को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचती है, यानी कि प्लॉट के वास्तु पुरुष डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अच्छा माना जाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक को नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में होने का एक साइंटिफिक रीजन भी है। फिर सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें होती है उनमें कुछ ऐसी किरणें भी होती है जिन्हें हमारे हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। जब अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में होता है तो कुछ हद तक ये किरणें पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे इस पानी से हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक को नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अच्छा माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको आपके प्रॉपर्टी के नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट नंबर 1 होगा और नॉर्थ वेस्ट नंबर 9। इन 9 पार्ट्स में जो 3rd और 4th पार्ट है वो है आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट नंबर 1 होगा और साउथ ईस्ट नंबर 9। इन 9 पार्ट्स में से जो 3rd और 4th पार्ट है वो है आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और इन दोनों दिशाओं में से किसी भी एक दिशा में आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड वाटर टैंक को कभी भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट के एक्सेस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष का हेड, स्पाइन और फीट इस एरिया को ऑक्यूपाई करता है, और अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक इस एक्सेस पर होता है तो इससे मेजर वास्तु डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर टैंक को हमेशा घर के बाहर प्लॉट पर होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कभी भी घर के अंदर नहीं होगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक कभी भी कंपाउंड वॉल से लगकर नहीं होना चाहिए, थोड़ी दूरी पे होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर सही दिशा में नहीं होता है तो इससे क्या दोष या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में होता है तो इससे आपके सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने से घर की महिलाओं के हेल्थ, रिलेशनशिप और शादी पर बुरा असर पड़ने की पॉसिबिलिटी होती है, कभी कभी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने से आपसी रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटी होती है,
लीगल प्रॉब्लम और पुलिस केस भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ वास्तु डिफेक्ट्स हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक के गलत दिशा में होने से। अब हम इसके लिए वास्तु रेमेडीज जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक सही दिशा में नहीं है तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक को सही दिशा में यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करना ही इसके लिए 100% सॉल्यूशन है। पर किसी कारण से अगर आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है तब आप तांबा यानी कि कॉपर या फिर चांदी यानी कि सिल्वर के तार लेकर उसे जमीन के अंदर वाटर टैंक के अराउंड अर्धचंद्र के शेप में लगाना है। इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद और मंगलवार के दिन नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर इस उपाय करने के बाद भविष्य में आपको कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक को शिफ्ट करने का मौका मिलता है तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक को सही दिशा में शिफ्ट कर दें। फ्रेंड्स, ये एक सिंपल वास्तु रेमेडी है अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं या फिर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।